Hello everyone, today I will discuss about the multiplication of numbers up to 10. Let us calculate 8 times 9, what will be the result? For this, first subtract first digit 8 from 10, which gives 10 minus 8 is equal to 2, and put it below the first digit 8. यह हमें calculation करना है 8 into 9 कितना होगा. तो पहले 10 से हम 8 को subtract करते हैं, उसका value कितना होगा 2. Similarly, subtract second digit 9 from 10, which gives 10 minus 9 is equal to 1, and put it below second digit 9. अब 10 से 9 को subtract करेंगे तो हमें मिलेगा 1. Encircles the numbers. अब सर्किल से इस दोनों नंबर को हम लोग घेरेंगे. तो इस पिक्चर में देखिए, हमारे जो मल्टीप्लायर्स है वो है एक 8, दूसरा है 9. अब 10 में से 8 को अगर माइनस करेंगे तो 2 मिलेगा, और 10 में से 9 को अगर माइनस करेंगे तो 1 मिलेगा. अब ये दोनों नंबर को हम सर्किल से घेर दिए, 2 एंड 1. सबट्रैक्ट डायगोनली, ये जो डायगोनल है इस हिसाब से हमको सबट्रैक्ट करना है. 8 से 1 को सबट्रैक्ट करेंगे, या तो 9 से 2 को सबट्रैक्ट करेंगे. 8 से 1 को माइनस करेंगे, या तो 9 से 2 को माइनस करेंगे. तो टेक आइदर 8 माइनस 1 इक्वल टू 7 और 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7 फॉर द फर्स्ट डिजिट ऑफ योर आंसर. यह अगर 8 से 1 माइनस करेंगे तो भी 7 मिलेगा, और 9 से अगर 2 माइनस करेंगे तो भी 7 मिलेगा. अब हमारे आंसर के लिए ये पहले हम लोग 7 लिखते हैं. नेक्स्ट, मल्टीप्लाई द नंबर्स बिलो द मल्टीप्लायर्स टू गेट द लास्ट डिजिट. तो पहले डिजिट के लिए हमें 7 लिखना है, और दूसरे डिजिट के लिए ये जो 2 और 1 है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 7 के पास लिखना है, तो हमारा आंसर मिल जाएगा. दैट इज 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2. सो answer is 7, and this is 2, this is 72. Therefore, 8 into 9, this is equal to 72. तो कितना आसानी से मिल गया, 8 into 9 is equal to 72. जो maths में थोड़ा कमजोर है, weak है, तो उनके लिए ये methods बहुत ही अच्छा है. सिमिलरली इसी प्रोसेस से हम लोग निकल सकते हैं 7 इंटू 9 इज इक्वल टू 63, 7 इंटू 8 इक्वल टू 56, 9 इंटू 6 इज इक्वल टू 54, 7 इंटू 7 इक्वल टू 49 एटसेट्रा. यह देखिए 7 इंटू 9, 7 10 में से 7 को माइनस करेंगे तो 3 मिलेगा, 10 में से 9 को माइनस करेंगे तो 1 मिलेगा. अभी डायगोनली 7 माइनस 1 या तो 9 माइनस 3 इसका वैल्यू है 6, 7 माइनस 1 और 9 माइनस 3. और ये दोनों एनसर्कल नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 1, दिस इज 3. सो
हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 63, 6 एंड 3 दिस इज 63, सो 7 इंटू 9 इज इक्वल टू 63। सिमिलरली 7 इंटू 8 इज इक्वल टू 56, कैसे 10 में से 7 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 है और 10 में से 8 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 2 मिलेगा। तो डायगोनली अगर 7 माइनस 2 इज इक्वल टू दिस इज 5 और 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5, ये हमारा आंसर का पहला डिजिट है। और आखिरी डिजिट, ये जो एनसर्कल नंबर है, दो सर्कल के अंदर जो दोनों नंबर है, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 दिस इज 6, सो आवर आंसर इज 5 एंड 6 दिस इज 56। इसी प्रोसेस को हम अपनाएंगे तो हमें 10 बाई 10 का मल्टीप्लिकेशन टेबल मिलेगा। ये तो हो गया पहला मेथड। दूसरा मेथड, 2nd मेथड, मल्टीप्लिकेशन बाय यूजिंग ए रेफरेंस नंबर 10। जब सिंगल डिजिट नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो एक रेफरेंस नंबर उसको मानते हैं 10। द 10 टू द लेफ्ट ऑफ आवर प्रॉब्लम इज आवर रेफरेंस नंबर। वी सब्ट्रैक्ट आवर मल्टीप्लायर्स फ्रॉम दिस नंबर 10। सिंस द मल्टीप्लायर्स आर बिलो द रेफरेंस नंबर 10, वी राइट द डिफरेंसेस बिलो द मल्टीप्लायर्स एंड ए नेगेटिव साइन अपीयर्स बिफोर दैट नंबर्स। सिंस 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2 एंड 10 माइनस 9 इज इक्वल टू 1, put these numbers below the multipliers respectively with negative signs। हमारा जो multiplication है वो क्या है, 8 times 9, तो ये 8 और 9 दोनों reference number 10 से छोटा है, तो 10 minus 8 is equal to 2 and 10 minus 9 is equal to 1। अब क्योंकि ये दोनों नंबर 10 के नीचे है इसलिए हम नेगेटिव साइन दिए हैं, माइनस 2 और माइनस 1। अब डायगोनली इन दोनों का अगर डिफरेंस लेंगे पॉजिटिव वैल्यू का, 8 माइनस 1 दिस इज 7 और 9 माइनस 2 दिस इज 7। टेकिंग डिफरेंस डायगोनली दिस 8 माइनस 1 इक्वल टू 7 और 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7। तो नाउ वी राइट 7 आफ्टर द इक्वल साइन। अब इक्वल साइन के बाद हम लोग लिखते हैं 7 और उसको मल्टीप्लाई करते हैं रेफरेंस नंबर 10 से। सो वी राइट 7 आफ्टर द इक्वल साइन एंड मल्टीप्लाई द 7 बाय द रेफरेंस नंबर 10। So 7 times 10 is 70, so we write a 0 after 7, that is 70। क्योंकि यहाँ दोनों का जो डिफरेंस डायगोनली जो डिफरेंस है ये 7 है, 8 माइनस 1 ये भी 7 है। अब इस 7 को इस 10 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 70। और इसी तरह 2 और 1 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 2। Now multiply the numbers in the circles, 2 times 1 is 2, add this to the subtotal of 70 for the final answer of 72. So 7 into 10 is equal to 70 and 2 into 1 is equal to 2, this is 70 plus 2 is equal to 72. Similarly, we can see that 7 into 9 equal to 63, 7 into 8 equal to 56,
9 into 6 is equal to 54, 7 into 7 is equal to 49, etc. इसी तरह हम लोग बाकी सारे नंबर को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो अब डायगोनलिस का डिफरेंस लीजिए, 7 माइनस 1 दिस इज 6 और 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। अब यह 6 लिखिए, इक्वल टू इक्वल साइन के बगल में 6 लिखिए। अब इस 6 को रेफरेंस नंबर 10 से मल्टीप्लाई कीजिए तो मिल जाएगा 6 इंटू 10 दिस इज 60। और यह सर्कल के अंदर जो दोनों नंबर है इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 3। तो 60 प्लस 3 दिस इज इक्वल टू 63। कंटिन्यूइंग इन दिस वे वी गेट मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ 10/10। इसी तरह अगर हम लोग कोई सा भी दो नंबर को लेके अगर मल्टीप्लाई करते जाएंगे, एक से लेकर 10 तक कोई सा भी दो नंबर लेके मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमें 10/10 का मल्टीप्लीकेशन टेबल मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।